जनपद पौड़ी पुलिस ने भिक्षा नहीं शिक्षा अभियान के तहत 52 नन्हे मुन्ने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने पूरे जनपद में भिक्षावृत्ति और कचरा बिनने का काम करने वाले 52 बच्चों को पहले चिन्हित किया, फिर उनके परिजनों की सहमति से स्कूलों में एडमिशन दिलाकर शिक्षा दिलाने का काम किया है। पौड़ी के एडिशनल SP जया बलूनी ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से स्कूल ड्रेस, जूते, किताबें और स्टेशनरी वितरित की गई हैं। स्कूल जाते समय बच्चे काफी खुश नजर आए। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक माह का यह अभियान चलाया गया था, 1 मार्च से 31 मार्च तक, ऑपरेशन मुक्ति का। इसका उद्देश्य था बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलवाना और भिक्षावृत्ति और गुब्बारे बेचने जो भी कार्य करते हैं उनसे हटाकर शिक्षा की ओर लेकर जाना। ये 3 चरणों में चलाया गया था। पहले चरण में बच्चों को चिन्हित किया गया था, दूसरे चरण में जागरूकता अभियान था और तीसरे चरण में बच्चों का विभिन्न विद्यालयों में एडमिशन कराया गया था। तो पौड़ी जनपद पुलिस द्वारा 52 बच्चों का एडमिशन कराया गया है और उनको किताबें और बैग वगैरह भी दिए गए हैं और लगातार उनको जागरूक भी किया जाता है, उनका फॉलोअप भी किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इसकी सराहना कर रहे हैं और आम जनता द्वारा भी इसको लगातार सराहना भी जाती है और साथ ही साथ इसको जो मोटिवेट है वो भी किया जाता है। जो भी बच्चे जहाँ पर गुब्बारे बेच रहे हैं या फिर कूड़ा बिन रहे हैं तो जो आम नागरिक हैं वो भी हमें सूचित करते हैं इस विषय में। जिन लोगों ने हम लोगों गरीब लोगों की इतनी मदद की, हमारे बच्चे आगे पढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चों को कॉपी बुक्स वगैरह दिलाए, बैग दिलाए, शूज दिलाए, ड्रेस दिलाई, अब हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।